टिहरी बांध झील में तैराकी का रिकॉर्ड बनाने वाले पिता और उनके दो बेटे को ऋषिकेश में सम्मानित किया गया। एशिया के सबसे बड़े बांधों में से एक टिहरी बांध की झील में तैराकी के नए आयाम स्थापित करने वाले पिता और दो बेटों को ऋषिकेश में सम्मानित किया गया। सम्मान मिलने से त्रिलोक सिंह और उनके दोनों बेटे काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि सम्मान मिलने से उनके अंदर एक नया जोश पैदा हो गया है जो उनके द्वारा स्थापित किए गए नए आयाम के रिकॉर्ड को फिर से तोड़ने का प्रयास करने में मददगार साबित होंगे। सोमवार को रायवाला इलाके के छिद्दरवाला क्षेत्र में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें टिहरी गढ़वाल के मोटाना गांव के त्रिलोक सिंह, उनके बेटे 18 साल के बेटे ऋषभ और 16 साल के पारस को सम्मानित किया गया। मौके पर प्रतीक चिन्ह देकर उनकी हौसला अफजाई भी की गई। एक अजीब सी खुशी महसूस हो रही है। मन में एक सपना था कि अपने दोनों पुत्रों के साथ एक लंबी दूरी की तैराकी करूं और उस ईश्वर भोलेनाथ ने मुझे वह मौका दिया और उसका साहस भी दिया और वही साहस मेरे दोनों पुत्रों में भी भरा, क्योंकि बिना साहस के तो यह हो पाना असंभव ही है, क्योंकि उसकी बहुत गहराई है और उल्टा तैरना, क्योंकि नदी का बहाव डैम की तरफ है और हम उसके विपरीत भल्याने की तरफ तैरे हैं। तो उस ईश्वर का शुक्रगुजार करना चाहता हूँ, उस प्रभु का, भोलेनाथ का, कि जिसने हम मुझ में और मेरे साथ मेरे दोनों बेटों में वो दम भरा है कि मैं इस अद्भुत साहसिक अनोखा, अपने आप में एक अनोखा रिकॉर्ड, क्योंकि शायद ही आज तक कोई पिता और पुत्र इस तरह से तैराकी कर पाए हैं एक साथ। तैराकी में कई रिकॉर्ड हैं लेकिन भिन्न भिन्न प्रकार के हैं, लेकिन यह अपने आप में पहला रिकॉर्ड होगा जो एक पिता अपने दोनों पुत्रों एक समय से अपने पूरे परिवार के साथ नदी में तैर के इतनी दूरी तय की। तैराकी तो हमारे बगल में नदी है और ये जो झील बनी है 2005 में बनी थी तो काफ़ी लंबे समय से है और मैंने इन्हें सिखाना, ये जब बालक 11 साल का हुआ था तब से इसको अपने साथ तैराकी सिखाना शुरू किया। सेम प्रक्रिया उसके साथ भी की, जब ये 11 साल का हो गया और एक इंतज़ार किया कि कब ये 14-15 साल का हो और मैं इन दोनों को साथ में लेके एक लंबी दूरी। मन में कुछ ऐसा था कि मेरा गांव मोटना पड़ता है और कोटी से काफ़ी दूर है, तो मन में ये था कि हमारे सामने से दिखता है वो काफ़ी दूरी, मतलब नज़र बहुत दूर तक जाती है, तो मन में ये था कि वहाँ से लेके अपने यहाँ तक तैर के आना है और भगवान ने मेरा वो सपना पूरा किया। ऐसा सपना जो इनके मन में रहा होगा कभी, और जान को जोखिम में डाल करके उल्टी तैराकी, उल्टी तैराकी के लिए भी आज वो तो 480 मीटर की गहराई का है टिहरी बांध, और मेरी तो धरती है, मैंने तो जन्मभूमि है और मैंने टिहरी बांध के लिए बहुत काम किया है। टिहरी बांध के विस्थापितों को अच्छा विस्थापन मिले इसके लिए मैंने प्रयास किया, मैंने काम किया, और इस तरह की प्रतिभाएं हमारे क्षेत्र में निकले हैं ये तो मेरे रिलेशन में भी हैं, और हमका हमारा सौभाग्य है कि रावत जी ने जो त्रिलोक नाम है उसको साकार किया है और अपने बच्चों को भी उसी रास्ते पर डाला है। तो ईश्वर इनकी रक्षा करे, इनका जीवन सुरक्षित हो और ये हमारा नाम रोशन करते रहे विश्व पटल पर। आज इन्होंने कीर्तिमान स्थापित करके हम लोगों का नाम रोशन किया है। मैं संपूर्ण भारत के उन लोगों को की तरफ से जो ऐसी प्रतिभाओं को देखना चाहते हों उन सब की ओर से इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। सम्मानित करने वालों में शामिल पूर्व कैबिनेट मंत्री शूरवीर सिंह सजवार ने कहा कि 52 वर्ग किलोमीटर तक फैले टिहरी बांध की झील में तैराकी करने के नए आयाम स्थापित करना जान को जोखिम में डालने जैसा है। ऐसे में पिता और बेटों ने मिलकर झील की विपरीत धारा में तैराकी करके साबित कर दिया कि उत्तराखंड में हुनर की कोई कमी नहीं है, बस उसे उभारने के लिए प्लेटफॉर्म की जरूरत है।
वहीं इस बारे में त्रिलोक सिंह ने बताया कि उनका सपना था कि वो अपने बेटों के साथ विपरीत धारा में तैराकी करके एक नए आयाम स्थापित करने की कोशिश करें। उन्होंने सफलता हासिल की है। आगे त्रिलोक सिंह ने बताया कि 12.5 किलोमीटर लंबी तैराकी उन्होंने 4.5 घंटे में, बेटे ऋषभ ने 12 किलोमीटर की तैराकी 3.5 घंटे में और पारस ने 12 किलोमीटर की तैराकी 3 घंटे 45 मिनट में करके तैराकी के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित किए हैं। अब उनका सपना अपने ही इस रिकॉर्ड को तोड़ने का है। ऋषिकेश से मैं भारत के लिए अमित कंडियाल की रिपोर्ट।